अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जोधपुर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग हैं मेन जोधपुर सिटी में शादाब भाई के यहाँ। आपको ये बकरा याद होगा, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा ये बकरे के बारे में। इसके रिजल्ट्स हमने बहुत देखे और बहुत ही तारीफ़ के काबिल है बकरा। आइए हम लोग शादाब भाई से बात करें, देन आपको ये बकरे के बारे में और भी मैं बताऊँ। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम से भाई, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ माशाल्लाह। अगेन इसको देख के काफी अच्छा लगा, ये ब्रीडर को देखकर। आपने पहले भी लिया 10 का जी, और अभी आप देखें अभी भी ये सोजत बकरा थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है, काफी एग्रेसिव है ये माशाल्लाह। और अभी भी ये मतलब वैसे ही इनका है, मतलब जैसे पहले थे एग्रेसिव, लेकिन इन्होंने वेट काफी गेन कर लिया माशाल्लाह। ये सोजत भी मैंने देखा था पहले जी, सोजत भी आपने देखा था जी। अभी आप देखें काफी एक्टिव है माशाल्लाह। ये ब्रीडर की काफी तारीफ हुई थी पहले भी, एंड ये दोनों भाई इसके रिजल्ट है ना? ये अभी बच्चे होंगे बस, असीम भाई जी, ये अभी 3-4 महीने के बच्चे हैं जी। और देखिए आपके सामने ये हमेशा ऐसे ही बच्चे निकलते हैं इसके जी। और इनकी हाइट देखिए आप, और एग्रेसिव भी काफी है, ये एग्रेसिव भी काफी है। अब ये सब 100 प्लस, मतलब ये 120 के आसपास है, ये 130 का हो गया माशाल्लाह, 130 से ऊपर ही होगा। उसमें आप ये देख, आप ये देख कितना एग्रेसिव है माशाल्लाह। आपने शादाब भाई ये बकरे की बहुत अलग अलग बकरियों से ब्रीडिंग ली है, काफी अच्छा रिजल्ट आना आपको इसका। अभी असीम भाई ये भी एकदम, ये भी सोजत और पंजाबी भाई, ये इसकी ब्रीडिंग है। ये भी 2-3 महीने के, मतलब 3-4 महीने के बच्चे हैं जी। और देखिए आप, मैंने ना बहुत जिन से मालूम किया जी जी, जैसे सोजत के अंदर भी ज्यादा हैदराबादी मेल यूज कर रहे हैं जी जी। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह ये मेल ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया जी जी। और ये मेन बात है कि ये दोनों क्रॉस ब्रीड करने का मकसद ये है जी, कि हाइट तो इस पे ये आती है और जो वेट जो ज्यादा है ना वो सोजत पे चला जाता है, सोजत पे जाता है ये, इसलिए हम लोग क्रॉस ब्रीड कराते हैं। अब देखिए आप कितने माशाल्लाह एक्टिव है ये दोनों। मैंने एक और बात देखी, क्या ज्यादा बकरे ही होते हैं इसके? हाँ बकरे है ना, ये बात भी सही है। बात आपने सही किया, हमेशा ज्यादा तो ये आपने सही पकड़ा एकदम, के इनके हमेशा बकरे ही है, जब भी होते हैं तो बकरे ही, एक आध बारी बकरी हुई है जी जी, एक आध बारी बकरी माशाल्लाह। बस देखें आप एक्टिव कितने माशाल्लाह जी। शाहब भाई मैं बकरे दिखाऊंगा लोगों को, पर मैं एक बार बता दूं लोगों को कि आपका खुद का एक YouTube चैनल है जी जी, वो हमने पहले वीडियो में बताया लोगों को जी जी। कुछ लोग शायद एक वीडियो देखते एक नहीं देखते हैं, देखते तो मैं लोगों को बता दूं कि आपके चैनल का नाम क्या है भाई? मेरे चैनल का नाम है शादाब टॉक्स के नाम से है जी। और हम लोग जो चैनल बनाते हैं वो फूड पे होता है जी, मतलब हम लोग बाहर जाके खाना खाते हैं और फूड का रिव्यू भी हम लोग देते हैं जी। और साथ साथ में उसकी जो जो रेसिपी है, अलग अलग टाइप की रेसिपीज भी हम लोग वो बनाते हैं जी, जो कि हमारे शेफ है वो बनाते हैं जी। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा आपके जो भी सब्सक्राइबर है शादाब टॉक्स को देख, मतलब सब्सक्राइब करें और बस हमें सपोर्ट करें सर जी। और इंशाल्लाह अगर जोधपुर आए तो इनका खुद का फूड कॉर्नर है शादाब कबाब्स के नाम से, जो काफी फेमस है और बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है। सब अल्लाह का एहसान है, तो बस ये आप जब भी जोधपुर आए शादाब कबाब पे आप जरूर आए और हमें बताएं कि आपको खाना कैसा लगा, क्योंकि रिव्यूज पे तो मतलब हाँ माशाल्लाह रिव्यूज काफी अच्छे हैं, लेकिन आप खुद आके यहाँ पे अपना खुद का रिव्यू दें वो ज्यादा बेहतर होता है जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार मुझे सिर्फ ये बकरा अगर आप दिखा पाए ना, लोगों ने देखा है लेकिन क्या नए सब्सक्राइबर बहुत जुड़े हैं उसके बाद, लाइक पंजाबी में हाइट तो हमेशा होती है। आप पंच फेस देखें इसका, आईस आँख वाइट है, लॉन्ग ईयर्स माशाल्लाह, ये 8 दांत पे ना शादाब भाई, और इसने बहुत अच्छी ब्रीडिंग की आपके लिए माशाल्लाह जी। और काफी अच्छे रिजल्ट, मैं ये दोनों बच्चे दिखा दूं, ये इसका ही रिजल्ट है विद सोजत फीमेल। ये दोनों भाई हैं क्या? ये दोनों भाई हैं, दोनों साथ में हुए थे, है ना? ऐसा नहीं, तो बकरियां भी कैसी होंगी ना शादाब? इसमें मेन बात है जब ब्रीडिंग का मजा जब आता है, जब जैसा अगर आपका बकरा अगर 1 लाख का है ना, तो बकरी भी पीछे 60-70 हज़ार रुपए की जी होनी चाहिए जी, तो रिजल्ट में मजा। आप जैसे बकरा तो आपका अच्छा है, लेकिन बकरी आपने अच्छी लगाई जी, तो मतलब वो अगर नस्ल अच्छी है तो क्वालिटी अच्छी मिलने वाली बात जी, है। सही बात है, तो ये बात है। मुझे भी हैदराबाद में किसी ने ये बात बताई थी।